बिल्कुल देते हैं। हस्बैंड्स के ऊपर होता है कि वो मैनेज कैसे करते हैं वर्क विद द वाइफ, वर्क विद फैमिली। ये टेलर है लेकिन इन लोगों की मतलब टाइमिंग ऐसी है कि दिन भी रात भी सारा दिन काम ही होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी तरह वक्त स्पेंड करते हैं। हम लोग बाहर भी आउटिंग पे भी जाते हैं, बच्ची के साथ भी हम लोग बहुत अच्छी तरह वक्त गुजारते हैं। ये है कि काम के बाद जब भी उन्हें फारे वक्त मिलता है तो वो जरूर टाइम देते हैं। एक वाइफ के लिए यही सबसे बड़ी खुशी होती है। छुट्टियों पर उनको कहीं घुमाना ले जाना है, कहीं जाना हो वहाँ ले जाते हैं और ख्वाहिश पूरी करते हैं उनकी। डिपेंड करता है, अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो दे भी देते हैं, और अगर उनकी कोई गर्लफ्रेंड है तो फिर शायद मुश्किल ही हो टाइम उनके लिए। हाँ जी बिल्कुल देते हैं, जहाँ तक मेरा तल्लुक है मैं तो देता हूँ। टाइम सारा ऑफिस में गुजर जाता है, टाइम बीवी को कैसे बंदा दे सकता है। तो हर किसी के लिए बेगमात शायद आज के वक्त में इतनी मसरूफियात में इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी उनकी। मेरे नहीं ख्याल कि एक कामयाब शादी के लिए बीवी को 24 घंटे देना जरूरी है, और ये अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो अगर आप पूरा पूरा महीना भी ना मिलो तो कामयाब शादी रहती है, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अगर आप एक मिनट भी इधर उधर हो जाओ तो काम खराब हो जाता है। वेल, ये तो कहती है हमारी आवाम इस हवाले से जो हमने आज का टॉपिक है हमारा बहुत स्पेशल सेशन है, आज कहीं मत जाइएगा। हम शुरू करते हैं अब वक्त हमारा, हमारी स्पेशल गेस्ट स्लैश पैनलिस्ट जो आज के हमारे स्पेशल मेहमान है अरूज, एक अरूज मुइज। मैं खैर इनके बारे में क्या कहूँ, बड़ी मजेदार उनकी खातून है, मुलाकात करवाते हैं। अब वक्त हमारा है, बद्रजात आप लोगों के सामने, आप लोगों की भरपूर तालियों में बैंड के साथ उरूज मुइज, माइंड साइंटिस्ट। वालेकुम सलाम, क्या ठीक ठाक? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मुबारक। कैसे? अच्छी मेरी भी अच्छी लग रही है, है ना? वो रात में सोते हुए लगाई थी ना, तो मैं छोड़ना नहीं तुम मुझे। लग रही है कैसे? अच्छी को मैं जो आज का स्पेशल सेशन है हमारा अरूज, ऑफकोर्स अरूज आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी, मैं पहले से एक आपको प्री कंसीव नोशन नहीं देना चाहती। जब आप सुनेंगे बातें आपको खुद ब खुद हेल्प होगी, और आप खुद मेरे ख्याल है ये बंदी जो है खुद अपनी बातों से साबित करेगी किस तरीके से वो हमारी मदद कर सकती है, जो हमारे बड़े नॉर्मल से मसाइल हैं कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता। माय हस्बैंड डजंट गिव मी टाइम, ही डजंट हैव एनी टाइम फॉर मी। ये बड़ा एक ऐसा कंप्लेन है जो बड़ी खवातीन कहती हैं, क्या ये बात सच है रोज? आई हैव बीन, मैं भी नेचुरली, मैंने अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की 3 साल से अपने वालिद के साथ, एंड मैं थेरेपी ले रही पिछले कुछ 2 साल से फॉर वुमेन्स चिल्ड्रंस किड्स राइट। तो मेरे पास जो बहुत ज्यादा रेशो में खवातीन आते हैं, जो फीट 100% कर पाए, तो 80% खवातीन को अपने शौहरों पर या शक है, या उनको ये लगता है कि वो उनको टाइम नहीं देते, या शक है या तो उनको टाइम नहीं देते, या ये शक है कि उनका कहीं दे आर गोइंग समवेयर एल्स नथिंग, और दे लाइक समवन एल्स, दे डोंट लाइक देम, या तो उनको वक्त, या उनको कोई और पसंद थी और मैं उस तरह से नहीं हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है रूज के हस्बैंड प्रॉब्ली आर गिविंग देयर मोर देन 100%, लेकिन फिर भी खवातीन जो है सेटिस्फाइड। इसके अंदर असल में ना दो जगह ये चीज डिवाइड हो जाती है। अच्छा, एक जगह ये डिवाइड होती है कि आपका जो हस्बैंड है वो आपको उसके पास टाइम है और नहीं दे रहा है। अच्छा, तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर वो आपको टाइम है वो नहीं दे रहा है, सही। एक ये स्टोरी आती है कि वो ज्यादा वक्त काम पे दे रहा है। ही डजंट हैव टाइम, उसके पास टाइम है ही नहीं जो आपको दे रहा। अक्सर मोदी ने कहा कि उनको अगर ऑफिस से टाइम मिल रहा है जो वो आ देते हैं। अब अगर एक कैटेगरी के उनके पास टाइम है ही नहीं, वो पूरा वक्त काम पे ही है, तो वो आपके लिए काम पे, एट द एंड इज देयर गिविंग टाइम टू यू एंड योर फैमिली। वो आपको और आपकी फैमिली को ही टाइम दे रहे हैं, ठीक है? वो बाहर ब्रेड एंड बटर कमाने के लिए गए हैं, वो आपके लिए कमाने गए हैं। सो इसमें तो कंप्लेन करने का कोई ताल्लुक ही नहीं, इसमें कंप्लेन नहीं करनी। लेकिन इसके अंदर अगर आपको तब भी कंप्लेन है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे, काम पे जा रहे हैं या ज्यादा देर काम पे लगा रहे हैं, जहां उनको 6 बजे तक काम पे होना चाहिए वहां 9 बजे तक काम पे रहते हैं, दे आर पुटिंग देयर मोर एफर्ट, तो इसके अंदर भी फिर और सब डिविजन आ जाती है कि या तो आपके घर में इतनी डिमांड है जिनको वो पूरा नहीं कर पा रहे, अगर इतनी डिमांड है कि जो बेगम है उनकी डिमांड ज्यादा है, ज्यादा जो है वो उनके डिमांड हैं या ख्वाहिशात हैं, ठीक है? अगर उनकी ख्वाहिशात ज्यादा या फैमिली के अंदर मेंबर ज्यादा है जिनको उनके हस्बैंड को ब्रेड एंड बटर ला के देना है, तो नेचुरली वो ज्यादा काम करेंगे, उसके बाद कोई चॉइस नहीं है। सही। अगर आपको तब भी शिकायत है, रादर देन मेकिंग अ कंप्लेन, आप जाएं आगे उठ के खुद काम करें, उनका हाथ बटाएं, कि आपकी जो डिमांड्स है या तो डिमांड्स को कम करें या तो खुद उठ के हाथ बटाएं। जी साहब, अगर इस हवाले से आप चाहती हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चियां हैं या हमारी बड़ी हैं, इस हवाले से आप कोई सवाल करना चाहती हैं कि आपके शौहर के पास आपके लिए वक्त नहीं है,
या वो क्यों नहीं दे पाते, तो प्लीज कॉल कीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा स्पेशल सेशन है जो स्पेशली सिर्फ आप लोगों के लिए किया है। क्योंकि सर्वेस होते रहते हैं, रिसर्चेस होती रहती है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं तो उनमें काफी खवातीन के आंसर रिसर्चेस होती है, उसमें वेट को लेकर, उसमें स्किन को लेकर, उसमें ब्यूटी प्रॉब्लम्स को लेकर, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर, उसमें मैरिड लाइफ, मैरिज शादी के बाद के जो मसाइल है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं शादी के हवाले से, कपल्स में प्रॉब्लम। एक और भी जरूर बात आई है कि जी वो अक्सर खवातीन कहती हैं कि अगर वो आते हैं या उनके पास टाइम होता है तो वो अपनी अम्मी के साथ बैठ जाते हैं, या वो अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ बैठ जाते हैं, या अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ये भी ये जाता रहता है कि उनकी फैमिली के साथ, फैमिली के साथ जाता है। ये क्या है ये अब इसके अंदर अगेन, या उनके पास टाइम है, वो दूसरी डिविजन का उनके पास टाइम है लेकिन वो आपको नहीं दे रहे, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि आप उतने अकोमोडेटिंग नहीं है, जब वो आपके पास आते हैं नेचुरली, जब बंदा पूरा दिन काम करे कहीं से भी, आप भी एक वर्किंग वूमन है, आप भी पूरा दिन काम करती घर जाती हैं, तो आपको एक एनवायरमेंट चाहिए अपने घर के अंदर, तो लोग तंग ना करें, जाके बात कर सके दोस्तों से, किसी से भी, एग्जैक्टली पीस जरूरी है, वेंटिलेशन जरूरी है। अब जब आपका हस्बैंड पूरा दिन काम करके थका हारा बैंक में या कहीं से भी काम करके आ रहा है घर में, क्लाइंट्स को डील करके आ रहा है, या अपने बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको तो एंड मीट करने, मंथ का एंड आ रहा है या मंथ का स्टार्टिंग है, फीस पे करनी है, वेंस की फीस पे करनी, तो ये आफ्टर लोड ऑफ थिंग्स। अगर आप घर देख रहे हैं तो वो भी घर को चला रहा है, पूरे घर को, पूरे घर को चला रहा है, तो फिर जब वो घर पर आता है तो उसको नेचुरली एक एक कंफर्ट जोन चाहिए। अगर वो घर है आपकी लाइफ, आप सबसे पहले आप नॉर्मल खवातीन, तुम पूरा दिन कहाँ थे, सबसे एक नॉर्मल क्वेश्चन जो पहला खवातीन पूरा दिन, हाँ ये बड़ी दूसरी बात है, हालांकि उनको पता होता है कहाँ है, वो वाली बातें कह रहे हैं आप आ गए, नहीं मैं सैटेलाइट से आ रहा हूँ, मतलब सामने खड़ा है बंदा, आप आ गए, वो वाला सीन होता है ना, इनविजिबल हो रहे हैं, इनविजिबल हो रहे हैं। तो वो अगेन, अब जब वो आ गया घर पे, आप उससे पूछो पूरा दिन तुम कहाँ थे, अब वो बंदा क्या जवाब देगा, यू हैव अ कॉल अगेन। नादिया है इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम, क्या बात है। अरे अरे उठा ले उठा ले डाले नहीं नहीं गले का ख्याल रखे, मजाक कर। टॉपिक बहुत अच्छा है मेरी लव मैरिज। अच्छा ठीक है, शादी पहले तो अक्सर सुना पर शादी से पहले तो काफी टाइम दे रहे होते हैं, शादी के बाद अक्सर मैरिज बदल जाते हैं। ठीक है, वही मेरे साथ हुआ है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल चेंज हो गए, कहना है कि तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कैसे उसको कैलकुलेट करूँ कि मुझे टाइम देते हैं या नहीं देते। वो ये कहते हैं कि आपको गलत फहमी है कि मैं टाइम नहीं देता। राइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, सॉरी मैं नाम भूल गई, मैं नादिया, नादिया नादिया बोलते हैं इस्लामाबाद से। ठीक है, अब इनका जहाँ तक केस है, अगेन आप कैलकुलेट टाइम तो नहीं कर सकते, कितना दे रहे कितना नहीं दे रहे, मैटर करता है क्वालिटी का टाइम दे रहे कि नहीं दे रहे। तो आप दोनों अगर चार घंटे भी साथ बैठे हैं, न्यू पीपल आर फाइटिंग, वो स्मॉल थिंग्स के तुम्हारी अम्मी ने कह दिया, उसने ये कह दिया, इसका ये हो गया, इससे अच्छा कि आप चार मिनट साथ बैठे हैं ना, आप आराम से सुकून से बैठे हैं दूसरे के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनका कहना है कि मेरी लव मैरिज हुई, शादी से पहले वो ज्यादा टाइम देते थे, शादी के बाद वो कम टाइम दे रहे हैं, तो शादी से पहले ही वो तो बैचलर, ही वो तो यंग बॉय, अब उनको जिम्मेदारियां नहीं थी, जिम्मेदारियां नहीं थी, और अगेन आपको इंप्रेस भी करना था। कितना टाइम लगाते हैं लड़के, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लड़कियां भी लगाती हैं। आप देखें हमारी खवातीन, आप देखें यहाँ पे शादी से पहले आप शादियों में तैयार होकर जाएंगी, टिप टॉप, बाल बिल्कुल सही होंगे, तैयार होंगी, वेट का ख्याल रखेंगी, शादी का दिन आएगा तो उससे एक महीना पहले डाइटिंग, फ्रेश डाइटिंग शुरू हो जाएगी, सख्त होगी कि बस उससे जब उनको शादी के दिन देखेंगे आप कहेंगे क्या कोई परे, और तीन महीने बाद देखेंगे आप उड़ परे हो, उड़ परे हो, उड़ परे हो, यही वाला हिसाब होता है। हमारे पास जुबैदा है, अस्सलाम वालेकुम जुबैदा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जुबैदा आपके? आपने फेवरेट किया था, मैं बड़े शौक से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू।